आरक्षण पर पाटीदार समुदाय को बरगला रहे हैं हार्दिक पटेल। क्या आरक्षण के नाम पर कांग्रेस ने हार्दिक को लॉलीपॉप दिया है? पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भले ही कांग्रेस को अपना मौन समर्थन दे रहे हो और गुजरात चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी हार्दिक के इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती है। उधर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी हार्दिक पटेल के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी पर हार्दिक के हमलों का करारा जवाब देते हुए गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि कांग्रेस हार्दिक को बेवकूफ बना रही है और हार्दिक पाटीदार समुदाय को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार्दिक और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि संविधान के मुताबिक 50% से आरक्षण देना संभव नहीं है। इसके बावजूद हार्दिक अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस से सौदेबाजी कर समाज को बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने पाटीदार समाज से हार्दिक और कांग्रेस के प्रलोभनों से सतर्क रहने की अपील की। इससे पहले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कांग्रेस और हार्दिक पटेल पर जमकर हमला बोला। शाहनवाज ने कहा कि गुजरात के लोग बीजेपी से प्यार करते हैं, वहाँ कोई भी आ जाए बीजेपी को हरा नहीं सकते। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस गुजरात में किसी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ले, लेकिन उसे जीत मिलने वाली नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस 0 पर आउट हुई और विधानसभा चुनाव में भी उसकी वैसे ही हालत होगी। उधर हार्दिक पटेल के ऐलान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी सामने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का ख्याल रखते हुए काफी सोच समझकर फॉर्मूला दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण देना संभव है। इस दौरान कपिल सिब्बल बीजेपी पर भी चुटकी लेने नहीं भूले। उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही संविधान की दुहाई दे रही हो, लेकिन वास्तव में उसे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है, चुनाव को लेकर हार्दिक पटेल की ओर से स्थिति साफ किए जाने के बाद गुजरात की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि पाटीदार समुदाय पर हार्दिक और नितिन पटेल की अपीलों का क्या असर होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।